देखो ये आधा घंटे की हमारी स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस कैसेट को जहाँ तक हो सके सब लोग ले लो, और रोज नहीं तो कभी कभी जब भी समय मिले एक बार सुन लिया करो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आवृत्ति रसकृद उपदेशात्, उपदेश को फिलॉसफी को बार बार सुनना चाहिए, तब वो खोपड़ी में पक्का बैठती है, फिर प्रैक्टिकल होता है। और ये अहंकार हो जाए समझ गए अरे हम तो सब समझते हैं, हम तो ये सब समझना वमझना सब उड़ जाता है। जैसे वो बच्चे कहते हैं ना, हिस्ट्री जागरफी बड़ी बेवफा, रात भर रटो सवेरे सपा। वो ऐसे ही हम लोगों की बुद्धि है। सवेरे एक दोहा कहा था मैंने, उसकी व्याख्या समझ लीजिए। मन से हरि गुरु का ध्यान और वाणी से भगवान के नाम रूप लीला गुण आदि का गान संकीर्तन, ये साधना है। प्रमुख है मन। मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद वेद कह रहा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, साठ्यायिनी उपनिषद वेद कह रहा है, पहला मंत्र। और ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, चित्तमेव हि संसारः, साठ्यायिनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। मन एव हि संसारः तेजो बिंदु उपनिषद के पांचवें अध्याय का 98वां मंत्र। मन परम कारण मामनंति भागवत 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम भागवत 3रे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो नारद पुराण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो पंचदशी। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि मन ही कर्ता है, कर्म का कर्ता मन है, केवल मन। वैसे आपको भ्रम रहता है, आंख ने देखा है, कान ने सुना है, नासिका ने सूंघा है, रसना ने रस लिया है, त्वचा ने स्पर्श किया है, लेकिन इनको कर्म नहीं कहते। कर्म कहते हैं जहां मन को सुख मिले, मन का अटैचमेंट हो,
उस कर्म को कर्म कहते हैं। आपने किसी को मारा नहीं, लेकिन मारने का प्लान बनाया तो आपने मारने का कर्म किया, ये भगवान ने नोट कर लिया। अजी मैंने तो किसी को झापड़ भी नहीं मारा। हाँ, नहीं मारा इंद्रियों से, लेकिन मन से सोचा था ना। हाँ, मन से तो कई बार सोचा। हाँ, मेरे बॉस ने मुझे डांटा तो हमने कहा लगाऊ एक झापड़, लेकिन मैं कैसे लगाऊ, मेरा बॉस से निकाल देगा सर्विस से। बहुत बार अपने माँ बाप के प्रति हमने सोचा, औरों की कौन कहे। भगवान कहते हैं मन ही कर्म का करता है। हम इंद्रियों का वर्क नहीं नोट करते। इंद्रियों से करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, हनुमान जी ने, मैंने नोट नहीं किया, क्योंकि वो कर्म ही नहीं है। वो मन में तो मैं था उसके। अर्जुन से भगवान ने कहा था तस्मात सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर अयुध्य च, आठवें अध्याय का सातवां श्लोक। मन मुझ में रख सदा, सर्वेषु कालेषु सदा, अयोध्या मत। तो हत्वा विषय इमान लोकान नहंति न निबध्यते, अठारहवें अध्याय का सत्रहवां श्लोक। सबको मार कर भी सब गवाही है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं नहीं मानता, क्योंकि कोई भी कर्म मन से संबद्ध हो ना हो तब उसको हम कर्म मानते हैं। इसका मन तो मुझ में था। तो इंद्रियों के वर्क को भगवान वर्क नहीं मानते, उसका फल भी नहीं देते। हम लोग इंद्रियों से भगवान की भक्ति करते हैं 90%, और कोई कोई तो 99% हाथ से पूजा चंदन लगा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, जय हो जय हो। लेकिन उस मूर्ति में भगवान है ये नहीं है निश्चय, तो फिर वो एक्टिंग है, पूजा नहीं है, कोई फल नहीं मिलेगा, सब बकवास है, टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम। उसको कहते हैं फिजिकल ड्रिल, शारीरिक व्यायाम। पहले मूर्ति में भगवान की भावना हो जाए, उसके बाद तुम जो कुछ करो या कुछ न करो, मन से ही चंदन चढ़ा दो, मन से ही नहला दो, मन से ही भोग लगा दो, मन से ही हीरों की माला पहना दो, सब स्वीकार करेंगे भगवान और सब नोट करेंगे। आपने मेरी पूजा की, मैं बहुत खुश हूं। आप लोग यहां कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं दिन भर, लेकिन कितनी देर आप ये विश्वास करते हैं कि इस नाम में भगवान बैठे हैं? फेथ, फेथ विश्वास, दृढ़ विश्वास। अगर हम समझ लें ये अंगूठी 10 रुपए की है और उसको देखें
और अगर समझ ले 1 करोड़ की है, क्या अंगूठी है भाई वाह। इसी प्रकार अगर आप ये मान कर भगवान का नाम ले कि उनके नाम में वे बैठे रहते हैं, ये उन्होंने कहा है स्वयं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वा नाम नामिनो। पद्म पुराण। नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, तुमने अपने नाम में अपनी सब शक्ति भर दी, स्वयं बैठ गए, लेकिन मैं कितना अभागा हूं कि विश्वास नहीं करता। और साथ में यह भी आपने रियायत की, किसी समय नोट कहीं लो मेरा नाम, मैखाने में लो, पाखाने में लो, घोर गंदगी में लो, डरो मत, मेरा नाम कैसा है उसमें मैं हूं। और जब मैं हूं तो गंदगी में अगर तुम लोगे तो गंदगी मुझसे शुद्ध हो जाएगी। भगवान ने पद्म पुराण में कहा, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा। कोई अपवित्र हो अथवा पवित्र हो या किसी अवस्था में हो, इतनी बड़ी रियायत, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। जो श्री कृष्ण का स्मरण करे तो भीतर और बाहर दोनों की शुद्धि मान ली जाती है। अब इससे बड़ी कृपा और क्या होगी कि नाम में वे बैठे हैं और कोई नियम नहीं। और चीजों में बड़े बड़े नियम है, यज्ञ करना हो, कोई भी योग करना हो, सब में नियम है, लेकिन प्रेम में कोई नेम नहीं। जहां नेम नहीं प्रेम तहा, जहां प्रेम नहीं नेम। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे नेम, ये नहीं हो सकता, विरोधी चीज है। तो मन का कर्म ही कर्म है, ये बात याद कर लो, हर समय याद रखो। एक सेंटेंस है, जैसे अपने आप को हर समय याद रखते हो, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, जो मैं कल था वही मैं हूं, कोई प्रूफ नहीं, फिर भी ये मेरा बाप है, मेरा बाप है, पक्का है। अरे लोगों ने तो कहा है पक्का, क्या कह रहा है तू, तेरे पास कोई प्रमाण है कि तेरा बाप है? नहीं वैसे तो नहीं है, लेकिन सबने कहा है। अरे तो कहने वाले तो रोज झूठ बोलते हैं, मालूम है ना? हाँ बोलते तो हैं। अगर किसी स्त्री ने दुराचार किया और किसी और का लड़का पैदा हुआ तो क्या वो स्त्री अपने लड़के से कहेगी कि तू अपने इस बाप का नहीं है, तू उधर वाले बाप का है, पड़ोसी का? वो कह ही नहीं सकती।
और तुम चैलेंज कर रहे हो कि मैं इसी बाप का बेटा हूं। लेकिन पक्का विश्वास है, भगवान के बारे में डाउट भूल जाते हो। कितनी बार कृपालु ने कहा है आप लोगों से कि रूप ध्यान पहले करो फिर भगवान का नाम लो, और भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं ये मान कर नाम लो, फिर भूल गए। तो मन से किया हुआ कर्म ही कर्म है, इसलिए भगवान की भक्ति करना हो चाहे संसार की भक्ति करना हो, दोनों का संबंध केवल मन से। संसार में राग है हाँ, किसका है? मन का। अगर राग नहीं है तो ध्यान दो, ध्रुव को भगवान ने कहा राज्य करो, ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, भगवान ने कहा। प्रहलाद को भगवान ने कहा नृसिंह ने, गृहस्थ में रहो, दो चार दस हजार वर्ष नहीं, 30,67,20,000 वर्ष तक राज्य किया प्रहलाद ने। और भगवान ने आज्ञा दी, वो नहीं चाह रहे थे। अरे भगवान मिल जाने के बाद, भगवान का आनंद मिल जाने के बाद कौन चाहेगा गोबर गणेश संसार को? आज्ञा है बस, ठीक है आज्ञा है तो मानना है। सुग्रीव राज्य करो, राम कह रहे हैं। विभीषण राज्य करो, आज्ञा है, कर रहे हैं बेचारे। हम लोग देख रहे थे बाहर से, इनको भगवान मिले, ये राज्य कर रहे हैं इतने हजार वर्ष से। अरे सब बकवास है, भगवान मिल जाते तो उनका आनंद पाने के बाद ये गोबर गणेश इस पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का भी नहीं। हम नहीं मानते इनको भगवानों को मिले। हम लोगों ने एक चार अंगुल की खोपड़ी है ना हमारी, ये हर जगह चल जाती है, महापुरुषों पर भी भगवान पर भी। हम कोई मामूली अकलमंद है क्या? तो भगवान का रूप ध्यान करना ये नंबर एक कर्म है, इसी को ज्ञान कहो, कर्म कहो, भक्ति कहो, प्रपत्ति कहो, सब कुछ है। उपासना उप माने पास, आसना माने जाना, भगवान के पास जाना। कौन जाए? शरीर नहीं, मन जाए, मन को ले जाना है भगवान के पास। वैराग्य माने संसार से मन हटाना, ये वैराग्य है, मन हटाना। और संसार रहा करे क्या बिगाड़ेगा, मन हट जाए। गृहीत्वा इंद्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् सवै भागवतोत्तमः। ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक।
कि सब विषयों का ग्रहण करते हुए भी उससे अलग है मन मन मन, और विषय ग्रहण कर रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन उसको स्वाद मिल रहा है प्रेमानंद का, रसगुल्ले का नहीं मिल रहा है। उसका मन भगवान में है नित्य। एक बार भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर मन भगवान के आनंद से पृथक हो ही नहीं सकता। कोई पावर नहीं विश्व में, वो खुद चाहे तो भी असंभव है। एक गोपी वृंदावन में यमुना के किनारे बैठकर आंख बंद करके ऐसा लग रहा था कि ध्यान कर रही है श्री कृष्ण का। नारद जी पहुंचे अचानक, उन्होंने कहा कि माता जी आप किसका ध्यान कर रही हैं? श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हैं। ए बाबा खबरदार, उसका नाम लिया तो मैं उसको निकाल रही हूं, निकलता ही नहीं, पीछे पड़ गया है हमारे, हमारा सब काम बिगाड़ देता है। एक परमहंस ने कहा कि प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित्स्यति। बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र संसार से मन हटाकर समाधि में एक क्षण को श्याम सुंदर की झलक चाहते हैं, नहीं पाते। बालासु बालासौ विषयेषु सज्जति मनः प्रत्याहरन्ति ततः। और ये गोपी भगवान से मन को हटाकर संसारी विषय में लगाना चाहती है, अभ्यास कर रही है, नहीं लगा पाती। अरे कैसे लगाएगी? वो आनंद और ये जगदानंद। अरे देखो, अगर आप लोगों को चीनी की चाय मिले तो गुड़ की चाय नहीं पियेंगे, जबकि दोनों एक ही चीज है। तो एक विष और एक अमृत, भला कौन विष चाहेगा अमृत पीने वाला? ओ एक बार परमानंद मिल जाने के बाद फिर वो चिंता नहीं, सदा पश्यंत सूरया, सदा को मिल जाता है, क्योंकि उस पर माया का अधिकार नहीं हो सकता। अगर माया का अधिकार हो जाए तो छिन जाए, लेकिन जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार कभी नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवान पर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार आनंद पर, दिव्यानंद पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता। तो भगवान का रूप ध्यान करना है, साथ में इंद्रियों को भी लगा दो, ठीक है, भगवान ने इंद्रियां दी है तो उनको भी लगा दो, अच्छा रहेगा। ये संसार की ओर नहीं जाएंगी, ये भी उधर लगी रहेंगी तो मन को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगी, इसलिए इंद्रियों को भी लगा दो मन के साथ। लेकिन अगर मन लग गया तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। ये जो आंख देखने का काम करती है, ध्यान दो, ये मन
आता है तब देखने का काम करती हैं। अगर मन आंख में प्लस ना हो तो ये क्या देख रही है ये नहीं डिसाइड कर सकती, ऐसे खुली रहेंगी, सामने क्या है ये नहीं जान सकती। ये जानने के लिए मन बुद्धि आते हैं, वो बताते हैं। फिर भी साधना अवस्था में अगर इंद्रियां भी लगी रहे तो अच्छा है, आप अकेले बैठकर मन लगा रहे हैं नींद आ जाती है, बिगड़ा हुआ मन है बहुत, तो पहली दर्जा में ये सब होता है। और अगर भगवान की लीला भी गा रहे हैं और लीला का ध्यान कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं, तो मन को सामान मिल गया कई तरह का, तो उसमें लग जाता है आराम से। ये मन एक ही चीज में नहीं लगता, इसको आदत है बदलने की। इसका बस चले तो अपने मां को, बाप को, बीबी को, बेटे को बदलता रहे रोज। हाँ, मजबूरी है, अपना मुंह आंख कान बदलता रहे रोज, जैसे साड़ियां बदलती हैं देवियां ऐसे ही, लेकिन वो शक्ल देख के अब ना कैसी है अब ऐसे ही रहेगी, क्या करे, मजबूरी है, जिंदगी भर वैसे ही रहेगा मुंह। हमारा रंग काला है, अब वो जिंदगी भर काला ही रहेगा, अब क्या करो, मजबूरी है। तो इंद्रियों को भी साथ लगा दो अच्छा है, लेकिन मेन मन है, मन की उपासना ही भगवान नोट करेंगे, ये समझे रहो। और भगवान से न संसार मांगो न मोक्ष मांगो, तीन चीज मांगो, दर्शन, प्रेम, सेवा। दर्शन, प्रेम, दिव्य प्रेम जो अंतःकरण शुद्धि के बाद मिलता है, जिसके अधीन भगवान रहता है वो प्रेम, क्योंकि सेवा उसी प्रेम से होती है, मिलती है। और दर्शन इसलिए चाहिए कि दर्शन की कामना अगर आप बनाएंगे तो व्याकुलता पैदा होगी मिलने की, तो अश्रुपात होंगे, तो अंतःकरण जल्दी शुद्ध होगा। तो दर्शन, प्रेम, सेवा, ये तीन एम उद्देश्य लेकर मन से भगवान का रूप ध्यान करना। वो रूप ध्यान कैसा हो ये भी भगवान ने कह दिया, तुम्हारी इच्छा। क्या कमाल है, क्या कृपा का अंबार है भगवान की, तुम जैसा रूप चाहो बना लो, हम उसको असली मान लेंगे कि इसने ठीक ध्यान किया। अरे कोई बड़ा आर्टिस्ट है तो बढ़िया नाक बनाएगा, बढ़िया मुंह बनाएगा, और कोई गांव का गंवार है, नीच जाति का, उसके घर में सब ऐसे ही टेढ़े मुंह वाले और अजीब नाक वाले हैं, तो वो बेचारा अपने आइडिया से बनाएगा वैसे। भगवान कहते हैं साहब को हम एक सफल देंगे, जिसको जो पसंद हो बना लो, जो उम्र पसंद हो वो उम्र बना लो भगवान की, जो कपड़े पसंद हो कपड़े पहना दो, जो जेवर पसंद हो तुमको, जो खाना पसंद हो तुमको, सब तुम्हारी इच्छा अनुसार भगवान ग्रहण करने को तैयार हैं। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, पानी भी, तोय माने पानी, पत्ता भी,
बहुत गरीब है, रोटी दाल नहीं मिलती, पत्ता दे दो, फूल दे दो। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब फिर इसके आगे तुम्हारा काम नहीं है, फिर गुरु वो भगवान का काम है, वो अपना अनुग्रह करेंगे और तुमको स्वरूप शक्ति के द्वारा वो अलौकिक शक्ति देकर तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देंगे और दिव्य प्रेम देकर सदा को माला माल कर देंगे। शेष फिर देखो, ये आधा घंटे की हमारी स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस कैसेट को जहां तक हो सके सब लोग ले लो, और रोज नहीं तो कभी कभी जब भी समय मिले एक बार सुन लिया करो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आवृत्ति रसकृद उपदेशात्, उपदेश को, फिलॉसफी को बार बार सुनना चाहिए, तब वो खोपड़ी में पक्का बैठती है, फिर प्रैक्टिकल होता है। और ये अहंकार हो जाए समझ गए, अरे हम तो सब समझते हैं, हम तो ये सब समझना सब उड़ जाता है। जैसे वो बच्चे कहते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटो सवेरे सपा। तो ऐसे ही हम लोगों की बुद्धि है। शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से कहा कि प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। इस कलयुग में बड़ी मंद बुद्धि लोग होंगे, जल्दी कैच नहीं कर सकते, उनको डिटेल में समझाना पड़ेगा, और कैच कर भी ले तो विस्मरण हो जाएगा, भूलने का स्वभाव है, मेमोरी कमजोर है सबकी। इसलिए आप लोग कैसेट ले लीजिएगा और बार बार सुनिएगा।